गाजियाबाद नगर निगम में 102 जर्जर भवन है जो कभी भी गिर सकते हैं। इसे जान माल दोनों का खतरा है। नगर निगम ने इनके मालिकों को नोटिस भेजकर मरम्मत कराने का निर्देश जारी किया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रशासन के सहयोग से इन मकानों को खाली कराया जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम के हालात खराब हैं और उससे भी ज्यादा खराब हालत में यहाँ के मकान हैं। नगर निगम ने 102 घरों को चिन्हित कर नोटिस भेज दिया है, लेकिन लोगों का कहना है कि कोरोना के कारण सब चौपट हो गया है। हम मकानों की मरम्मत कैसे कराएं? कुछ मकानों में किराएदार रहते हैं जो डरे हुए हैं। उनका कहना है कि उन्हें इतना भी भरोसा नहीं है कि वो रात को सोए और सुबह सही सलामत उठे। बहुत दशा तो बहुत भयानक है, कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि लंटर भी जो है हिल चुके हैं, उनकी दीवारों से ईंटें भी बाहर निकल आई हैं, कोई प्लस्तर नहीं, कुछ नहीं हुआ। इसकी कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम खुद पड़ोस में रहते हैं, परिवार समेत हमें डर लगता है। इसमें जानवर है, सांप भी निकल आते हैं, चूहे बिल्ली सांप सब कुछ है इसके अंदर। अंदर कीचड़ है दुनिया भर की, और ऐसे कई सारे मकान है जिनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। बरसाती आती है, हमें डर लगता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे है, एक रात में अगर बिल्डिंग गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे। अभी तो हम लोग बहुत दहशत में रहते हैं, डर लगता है। जब हम रात को सोते भी, जब भी हमें डर लगता है कि हम सो रहे हैं, पता नहीं कल का सुबह देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। ये मकान मालिक के लोग को सोचना चाहिए ना, उनको सही करवाना चाहिए, या GDO की तरफ से होना चाहिए सही। इस पूरे मामले पर नगर निगम आयुक्त का कहना है कि जर्जर भवनों को चिन्हित कर नोटिस भेज दिया गया है। अगर घरों को दुरुस्त नहीं कराया जाता तो नगर निगम कार्रवाई करेगा। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी इस तरह के जर्जर भवन हैं, वहाँ पे कोई जान माल की हानि ना हो, उसके लिए नगर निगम के अभियंत्रण विभाग ने ऐसे भवनों को चिन्हित किया है कि जो जर्जर स्थिति में है, जो गिराऊ हालत में है। हमारे एक्ट में भी प्राविधान है कि ऐसे जर्जर भवनों को चिन्हित करके भवन स्वामियों को नोटिस दिया जाए, जिससे कि जान माल की हानि ना हो। ऐसे में हम लोगों ने 102 भवनों को चिन्हित करते हुए उनको नोटिस दिया है कि वो अपना जर्जर भवन खाली कर दें अथवा उसकी मरम्मत करा रहे हैं और वहां से हट जाएं, जिससे कि कोई जानमाल की हानि ना हो। सिटी जोन में शहर का इतिहास बसा है, यहीं से गाजियाबाद बसना शुरू हुआ था। ऐसे में यहां पुरानी बस्तियां ज्यादा है जिनमें जर्जर मकान और दुकान हैं। नगर निगम के रिकॉर्ड को देखें तो इस जोन में जर्जर भवन का हॉटस्पॉट वाल्मीकि कुंज है। इस जोन के 38 जर्जर भवनों में से 26 वाल्मीकि कुंज बी ब्लॉक में है। इस कॉलोनी को GDA ने बसाया था। मोहन नगर जोन में 31, विजयनगर जोन में 17, वसुंधरा जोन में 14 और कवि नगर जोन में 2 जर्जर भवन हैं। गाजियाबाद में 102 जर्जर भवन हैं जिनको अपनी तरफ से नगर निगम ने नोटिस तो भेज दिया है, लेकिन वहीं लोगों की जो स्थिति है वो इस लायक नहीं है कि वो उसकी मरम्मत करा सकें, और वो काफ़ी दहशत में रह रहे हैं। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहन के साथ फराह खान, R9 TV, उत्तर प्रदेश।